अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है शाहिद अली और आप देख रहे हैं रेडियोग्राफी ब्लॉग्स। तो आज हम नी जॉइंट एक्सरे के बारे में बात करेंगे कि एक आम बंदा जिसने अपने नी जॉइंट का एक्सरे करवाया है वो कैसे अपने एक्सरे को देख सकेगा। तो जो बेसिक चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो बताने की मैं कोशिश करूँगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हमारे सामने इस वक्त नी जॉइंट का एपी और लेटरल व्यू एक्सरे मौजूद है। तो सबसे पहले हम इनके एनाटॉमी देख लेंगे। नी जॉइंट के एपी व्यू में अगर ये आप बोन देखें तो इसका नाम फीमर है। ये जो इसके नीचे दो लंबी हड्डियां मौजूद हैं, एक का नाम है टिबिया और एक छोटी हड्डी का नाम है फेबुला। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको हम पटेला कहते हैं क्योंकि ये हमारे नी जॉइंट के एपी व्यू है, ये हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ये फीमर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे ही हम नी जॉइंट का लेटरल व्यू देखेंगे तो ये जो पटेला हमारे नी जॉइंट के एपी व्यू में ओवरलैप कर रहा था, ये लेटरल व्यू में बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है और हमारी फीमर से अलग-अलग नज़र आ रहा है। ये हमारी फीमर है, ये हमारी टिबिया और ये फेबुला है। अब इस लेबल्ड नी जॉइंट एपी व्यू के एक्सरे में आप इस हिस्से को देख सकते हैं, ये फीमर का डिस्टल एंड है जिसको हम लेटरल फीमोरल कोंडाइल कहते हैं। ये लेटरल टिबियल प्लेटाई के बिल्कुल ऊपर होता है, इनके दरमियान स्पेस मौजूद होती है। ऐसे ही इसके ऑपोजिट मीडियल फेमोरल कोंडाइल होता है, ये मीडियल टिबियल प्लेटा के ऊपर होता है, इनके दरमियान भी स्पेस मौजूद होती है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दो नी जॉइंट के एपी व्यू के एक्सरे मौजूद हैं। जो लेफ्ट पे है उसमें आप अगर गौर करें जो मीडियल एपिकोंडाइल है और जो मीडियल अपना टिबिया का हिस्सा है उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। इसका मतलब है इस पेशेंट को ऑस्टियो आर्थराइटिस का मसला है। और दूसरी तरफ राइट साइड पे देखें तो हमारा नी जॉइंट बिल्कुल, जो दोनों स्पेसेस हैं वो बिल्कुल ओके हैं, ठीक हैं, इंटैक्ट हैं, उनके दरमियान स्पेस मौजूद है। तो ये सबसे कॉमन इशू यही होता है। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो तो क्लियरली सामने नज़र आ जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।